मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने निर्देश दिए हैं कि उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें उद्योगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि मंडल में उद्योग स्थापित होने से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित होंगे। उक्त बातें मंडलायुक्त ने आयुक्त सभागार में आयोजित मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। औद्योगिक क्षेत्र गीडा में CETP की स्थापना के संबंध में बताया गया कि गीडा में स्थापित किए जाने वाले 7.5 MLD का CETP के उत्तर प्रदेश जल निगम अर्बन को कार्यदायी संस्था नामित किया जा चुका है और जल निगम द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने समीक्षा के दौरान गीडा में सेक्टर 13 में बनने वाले फ्लैटेड फैक्ट्री के डिजाइन को उद्यमियों को भी दिखाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2022-23 की प्रगति की समीक्षा के दौरान पाया गया कि मंडल में 342 लक्ष्य के सापेक्ष 1055 आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित है, जिसमें से 404 आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत तथा बैंकों द्वारा 179 को ऋण वितरित किया गया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 389 लक्ष्य के सापेक्ष 655 आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित, 236 आवेदन पत्रों की स्वीकृत तथा बैंकों द्वारा 129 को ऋण वितरित किया गया है। मंडलायुक्त ने कहा कि बैंकर्स शासकीय योजनाओं से संबंधित पत्रावलियों का समयबद्ध ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करें और समय से धनराशि का वितरण करें। निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित समस्याओं के संबंध में बताया गया कि गोरखपुर में निवेश मित्र पोर्टल पर एकल मेज व्यवस्था के अंतर्गत कुल 19 मामले लंबित हैं। मंडलायुक्त ने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल पर कोई भी मामले लंबित नहीं होने चाहिए, संबंधित विभाग समयबद्ध ढंग से इसका निस्तारण सुनिश्चित करें। बैठक में कमिश्नर रवि कुमार एनजी, ADM FR राजेश कुमार सिंह, गीडा CEO पवन अग्रवाल, SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य अधिकारी एवं उद्योग बंधु मौजूद रहे। सब कुछ रेडी कर लिया था, जल निगम को एसी सर ने नामित किया था, उसके क्रम में इन्होंने एक तो ये CETP में कैपिटल कॉस्ट है और दूसरा इसकी ओरिजिनल कॉस्ट, तो जो कैपिटल कॉस्ट है उसका 95% ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है NMCG से, पार्टिसिपेटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके द्वारा दिया जाएगा पार्ट वन। दूसरा सर इसका ONM है, तो आपकी तरफ से हमेशा कहा जाता रहा है कि हम लोग को जब भी ये CETP बन के ही मिलना था उसके संबंध में जो भी है, लेकिन कैपिटल कॉस्ट एक पार्ट है उसको तो डिस्कशन हो भी रहा था, आपने भी ये रिक्वेस्ट किया था कैपिटल कॉस्ट का, हो सकता है कुछ प्रबंध हो भी जाए। अभी सर ONM में ये बात आ रही है कि वी नीड ए लीगली एनफोर्सेबल कंसेंट, ये NMCG से कल किया गया था, तो लीगली एनफोर्सेबल कंसेंट इंडिविजुअल की हर एक इंडस्ट्री की, मतलब वो लेटर फ्रंट पे किसी दिया वो उससे नहीं काम चल रही। कितने का सबसे अधिक का संभव है बताइए, कितना मीटिंग हुआ सर? दो बार हुआ मीटिंग, और मीटिंग में जितने पॉल्यूटेड पॉल्यूशन निकाल मतलब पानी निकालने वाले यूनिट्स हैं मैक्सिमम वो आए हुए थे। ACO साहब के अध्यक्ष आज के दिन में कितना डिस्चार्ज के नहीं वही है आज के दिन में, क्योंकि इन्होंने तो एक अप्रॉक्सीमेटली ये बता दिया 6 करोड़ रुपये आने वाला है, 6 करोड़ रुपए में मतलब आएगा, तो वो कितना हमारा आज के दिन में वी हैव एन आइडिया, ठीक है 1 करोड़ रुपए का खर्चा आ रही है, 5 करोड़ 6 करोड़ रुपीज प्लस और माइनस समथिंग, ठीक है, तो वी शुड हैव एन आइडिया उतना वो देने के, ठीक सर ठीक है, आप उनको कंपलसरी कर दीजिए कि इतना KLD का है वो इतना। किसी डिस्कशन में हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट से पे कन्विंस नहीं थे कि 5 से 6 करोड़ ये ठीक नहीं है, ये और नीचे होना चाहिए, उसमें सर ये ऑपरेटेशन नहीं हो पाया। जस्ट एक चीज क्लैरिफाई करूँ, जो ये पास कितना है सर, ठीक है 6 करोड़, बट उनका ये कहना है कि साहब 6 नहीं आएगा 4 आएगा, 4 और 6 के बीच में बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है एग्जैक्ट इसको कोई टेक्निकली साउंड एजेंसी सर NMCG में काम करते हैं, ठीक है फॉर एग्जाम्पल NMCG आज के दिन में NMCG इज मेंटेनिंग मोर गंगा रेल बेसिन में दे आर रनिंग सो मेनी STPs एंड CETPs, ठीक है उनको आइडिया है, आप अप्रॉक्सीमेटली उन्हीं से लिख करके आप मान लो सर एक DPR में ही सर जो कॉस्ट की वही है सर, DPR को IT रोकी ने थर्ड पार्टी SSP किया है सर, उसके बाद NMCG ने
तमिलनाडु तमिलनाडु वाटर इन्वेस्टमेंट कंपनी है सर, उनसे फिर उन्होंने थर्ड पार्टी एसेस कराया है, उसके बाद ही सर उन्होंने डीपीआर अप्रूव किया है।